तमाम देखने वालों को समी खान की तरफ से, रॉन्ग नंबर टू की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हेलो एवरीवन, समी खान हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एंड टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। डायरेक्टर शहजाद रफीक की सुपरहिट फिल्म सलाखे से अपने करियर का आगाज करने वाले समी खान ने अपने आप को एज अ सीरियस एक्टर मनवाया है, लेकिन अब हमें समी खान नजर आ रहे हैं एक बिल्कुल डिफरेंट और कॉमिक कैरेक्टर में अपने फिल्म रॉन्ग नंबर टू में। ये तो हम जानते हैं कि समी खान रॉन्ग नंबर टू में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है ये जानते हैं समी से ही, जो कि इस वक्त टीपीके से एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस ईद उल फितर पे हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है रॉन्ग नंबर टू, विच इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी। बहुत मेहनत से और बहुत एक नेक नियति के साथ एक फिल्म बनाई है ताकि जितने भी हमारी ऑडियंस है उनको एंटरटेन कर सकें, उनको एक अच्छी एंटरटेनमेंट, एक अच्छी फिल्म दे सकें। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर सिनेमाज आएँ और जो मैं मानता हूँ कि जस्ट एक पॉपकॉर्न्स का बड़ा बकेट लें और इन्जॉय करें। यकीन जानिए, हमने जो कोशिश की है, जो फिल्म बनाई है, आप सिनेमा से मुस्कुराते हुए, अच्छी यादें लेते हुए बाहर आएंगे। और जहाँ तक फिल्म में मेरे कैरेक्टर का ताल्लुक है, उसका नाम उमर है, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन जोया से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत को हासिल करना चाहता है पूरी नेक नियति के साथ, शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करता। तो एक ऑनेस्ट इंसान अगर अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बीच में रॉन्ग नंबर पर रॉन्ग नंबर लगते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये देखने के लिए आपको सिनेमा जाना पड़ेगा। नीलम मुनीर और यासिर नवाज के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में समी खान का कहना था, किसी भी ऐसी हिट टीम का हिस्सा बनना जो कि पहले हिट फिल्म्स दे चुके हों, तो आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड सेकंडली, नीलम मुनीर के साथ काम करना, शी इज अ गॉर्जियस एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, तो आई थिंक उनसे स्क्रीन शेयर करना इट्स बहुत एक मजे का एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट जो हमारी जो केमिस्ट्री डेवलप हुई, आई होप आपको सिनेमाज में देख के मज़ा भी आएगा कि हमने कोशिश की है कि अपने ऑडियंस को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकें। इसमें हमने डांस भी किया है, एक्शन भी किया है, रोमांस भी किया है और थोड़ा इमोशनल भी हुए हैं और कॉमेडी तो ढेर सारी है ना। समी ने फर्स्ट टाइम कॉमेडी फिल्म करने के बारे में हमें बताया, यासिर नवाज द डायरेक्टर, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी कैलकुलेटेड, ही नोज वट ही वॉन्ट्स। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उन्हें अपनी फिल्म में अपनी कहानी कैसे सुनानी है। सो आई थिंक उन्होंने एक अच्छी कहानी बनाई है, अपने एक्टरों से बहुत अच्छा काम करवाया, इनफैक्ट मुझसे तो एक डिफरेंट काम करवाया है कॉमेडी का और एक्शन का, तो आई थिंक एक डिफरेंट समी खान देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। एंड ओवरऑल पूरी टीम भी बहुत मजे की थी, तो एक डिफरेंट अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। नीलम मुनीर और समी खान स्टारर रॉन्ग नंबर टू ईद से सिनेमाज में चल रही है और यकीनन आपको पसंद भी आ रही होगी। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।